वीर आला उदल की कहानी के एपिसोड 33 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए मैं आपको उसी प्रसंग पर लिए चलता हूं जहां उदल बत्रा बातें कर रहा है बिजमा से। उदल की बिजमा से बातें चल रही हैं और बिजमा जो कि जंबे की पुत्री थी, अद्भुत सुंदरी थी, उदल को देख करके मोहित हो जाती है और उदल भी अपना प्रयास कर रहा है क्योंकि उदल को गढ़ माणों पर विजय प्राप्त करनी थी। तो उदल से वह लड़की कहने लगी कि यदि तुम मेरे साथ विवाह कर लें तो मैं तुम्हें एक तरीका बता दूंगी। उदल कहने लगा विवाह तो कर लूंगा पर मेरी शर्त यह है कि मैं जंबे को, तुम्हारे पिता को, जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो यह बात बिजमा स्वीकार कर लेती है। बिजमा कहती है कि मैं आपका भरपूर साथ दूंगी, जब तक आप युद्ध करोगे युद्ध भूमि में भी आपका साथ दूंगी, आप चिंता ना करें परंतु मुझसे विवाह अवश्य कर लें। उदल उस लड़की को अपने जाल में फंसा लेता है और लड़की चाहती है कि वो उदल को जाल में फंसा ले। दोनों एक दूसरे की सेटिंग में लगे हुए हैं और उदल ने उस लड़की को पूरे तरीके से अपने आप पर फिदा देखा तो कहने लगा कि देखिए बिजमा, मैं अवश्य तेरे साथ विवाह करूंगा, तू चिंता मत करे, परंतु चोरों के तरीके से नहीं करूंगा, मैं तेगा के बल से विवाह करूंगा, अब इस समय मुझे जाने की अनुमति दीजिए। बिजमा उदल को जाने की अनुमति दे देती है और जो रानी कुशला थी वह उनको इनाम में वह महोवे वाला नौलखा हार जो देवला से करिया लेकर के आया था, वह नौलखा हार खूंटी पर लटका हुआ था, इनाम में दे दिया और उस हार को लेकर के वीर आला उदल जोगी के भेष में उस किले से साफ बाहर निकल जाते हैं। और जब किले से आगे निकले तो इसकी सूचना जंबे के पास पहुंचती है कि जो संत आए थे वो सभी इस दुर्ग को छोड़ करके बाहर निकल गए हैं। जंबे ने अपने सशक्त गुप्तचरों से पता लगाया कि वह कोई साधु नहीं थे, वो तो कोई राजा के लड़के थे। जब ये बात जंबे को पता चली तो जंबे अपनी महारानी कुशला के महलों में पहुंचा और कुशला से कहने लगा कि महारानी, जो साधु आए थे वो कोई साधारण साधु नहीं थे, वे तो राजकुमार थे, छलिया के वेश में हमारे महल में उन्होंने प्रवेश किया। ये बात रानी कुशला ने सुनी तो कुशला कहने लगी, महाराज मैंने वो मोहबे वाला नौलखा हार भी उनको इनाम में दे दिया। अब तो राजा का क्रोध और बढ़ गया, परंतु स्थिति देख करके मन में सोचने लगा कि अब मुझे मेरे पुत्र करिया को बुलाना चाहिए और अभी वो दुर्ग से बाहर ही पहुंचे हैं और उनको यहीं कत्ल कराए देता हूं। हे श्रोताओ ध्यान से सुनिए, सुन के बातें ये रानी की, राजा गया सना का खाए, राजा को क्रोध आ गया और हुक्म दीन है हर कार्य को करिया बेटा लीन बुलाए। करिया को बुलवा लिया और करिया से कहा कि करिया तुम शीघ्रता से हाथ में ढाल तलवार ले लीजिए और जहां पर वो जोगी हैं उन जोगियों में से एक भी जीवित नहीं रह जाए, उन सभी को बंदी बना लाओ और मेरे यहां कैद खाने में डाल दो। करिया ने जब ये बात सुनी, घोड़ा था करिया के पास, उस घोड़े पर बैठ जाता है और उस घोड़े पर सवार होकर के करिया आगे बढ़ा और जहां जो मोहबे के वीर योद्धा थे, वीर आला उदल थे, उनके पास पहुंच गया और उनसे कहने लगा तुम्हें बुलावत महाराजा है, योगी चलो हमारे साथ। हे योगियों, हे बाबाओं, तुमको महाराजा जंबे ने बुलाया है, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। तो ये बातें सुनकर के उदल और वीर आला कहने लगे कि हम तेरे गुलाम नहीं है, तेरे राजा के गुलाम नहीं है जो यहां से तेरे साथ चले, अब हमें दूसरे देश जाना है। जब ये बात करिया ने सुनी तो सुन के बातें ये योगिन की करिया खींच लई तलवार
पाम अगारी को डारो खंडा करो तुरत ही चार। देखिए श्रोताओं, करिया ने अपनी नगिन ते खींच ली और नगिन ते खींच करके आगे बढ़ा। जब करिया ने नगिन तेग खींची और उन बाबाजियों को ललकारा तो उदल कहने लगा, धोखे योगी के मत रहना, नई सिर काट दऊं भुई डार। सुन के बातें तब करिया की उदल खींच लई तलवार। आला मलके ढेवा सैयद इनऊ खींच लई तलवार। करिया सोचे मन अपने में, ये नहीं योगिन केर कुमार। करिया मन में विचार कर रहा है कि ये कोई साधु के लड़के नहीं है, इन्होंने तो अपनी नगिन ते खींच ली। जो हम बोले इन जोगिन ते तो फिर जाए प्राण पर आए। यही सोच के करिया लौटो जम्बे ढंग फिर पहुंचो आए। करिया ने विचार किया, यदि मैं इनसे युद्ध करूंगा तो ये सभी वीर योद्धा हैं और एक से एक बड़ा धवल और सूरमा है। देखिए श्रोताओं, ये योद्धाओं की कैटेगरी होती थी। महाभारत काल में रथी, महारथी, अधिरथी होते थे और आला उदलों के काल में धवल, सबल, सूरमा और वीर सामंत ये होते थे। तो ये योद्धाओं का एक तरीके का प्रकार है, एक कैटेगरी है जो उनको विभाजित करती है। उन सभी वीर धवलों को देख करके करिया लौट जाता है और अपने पिता महाराज जम्बे के पास पहुंचा और जम्बे से कहने लगा कि हे महाराज, उन राजकुमारों को मैंने रोकने का प्रयास किया परंतु वो सभी महारथी योद्धा मुझ पर एक साथ आक्रमण करने के लिए तैयार थे। हे राजन, अब क्या किया जाए? तो करिया की बात सुनकर के राजा जम्बे कहने लगा कि अनूपी और टोडरमल दोनों पुत्रों को तैयार कर दो, बबरी बन को चारों ओर से सेना से सजा दो, क्योंकि जब नर्मदा नदी से आगे महोबे वाले बढ़ेंगे तो बबरी बन को पार करना होगा और बबरी बन के चप्पे चप्पे पर वीर योद्धाओं को खड़ा कर दो। बबरी बन में बहुत अंधेरा है और वहां से किसी का निकलना सहज नहीं होना चाहिए। जब करिया ने यह बात सुनी तो अनूपी और टोडरमल को वहां की जो चौकियां थी, सैनिक चौकी थी, उस पर नियुक्त कर दिया। और इधर सुनिए, जो मानो घर से महात्मा के भेष में वीर आला उदल नौलखा हार लेकर के आए थे, वह हार जाकर के अपनी माता देवलदे को दिया और उदल ने अपनी संपूर्ण गाथा कह सुनाई तो माता देवलदे बड़ी प्रसन्न होती है। सुन के बातें नर उदल की माता बड़ी खुशी हुई आए, नदी नर्मदा के ऊपर मा तंबू बैठे बना फर रहा है। उदल बोले, कह आलाते दादा, मानो कही हमार बरस बारह कोस को बबरी बन है, वहां पर सदा रहे अंधियार। उदल कहने लगा अपने वीर भाई आला से कि हे भैया, तुम एक दरबार सुसज्जित करो, एक दरबार सजाओ, क्योंकि राजा अपना दरबार लगाते थे। इससे पहले मैंने इस बात को आपको कई बार नल पुराण में भी बताया था। आला ने अपना दरबार लगाया। आपको बता देना चाहता हूं कि जब युद्ध के मैदान में आला जाते थे तो आला के ही हुक्म प्रसारित होते थे, आला के ही आदेश माने जाते थे। ब्रह्माजीत, उदल, ये सभी उनके आदेशों का पालन करते थे और इसीलिए राजाओं का एक तरीका मांडलिक था, वो मांडलिक की आला को प्रदान की गई थी। अब देखिए, उदल ने जब मांडलिक से कहा तो आला ने अपना दरबार लगाया और उस दरबार में गुप्त मंत्रणा होने लगी और वहां सभी वीर योद्धा ताला, सैयद, ढेबा, मलखान, उदल और चाचा ताला सैयद सभी को बुला लिया और उनसे सलाह मशवरा करने लगे। तो उदल कहने लगा कि महाराज मंडलीक, यदि आप मुझे अनुमति प्रदान करें तो मैं आज ही बबरी बन को काट करके ध्वस्त कर दूंगा। सुन के बातें ये उदल की आला दीना हुक्म सुनाए, चढ़ा कोढ़ाड़ा बबरी बन पर लागे ग्रण वृक्ष अर्राए। जब
वीर आला ने ऊदल की बात सुनी तो आदेश दे दिया कि बबरी वन को काट करके गिरा दीजिए, बबरी वन में मार्ग बना दीजिए, अंधेरा है, सदा अंधेरा रहता है और निकलने में समस्या आएगी, इसलिए हमारी सेना आसानी से पार कर जाए ऐसा मार्ग बना दो। जब बबरी वन को काटने लगे तो बबरी वन में अनूपी और टोडरमल वहां के प्रभारी थे, सैनिक चौकियों के सुरक्षा अधिकारी थे, तो एक सिपाही बबरी वन में कटाई देख करके कि बबरी वन में कटाई हो रही है, कोई बबरी वन को काट रहा है, तो वह टोडरमल के पास पहुंचा। गाहर कारा तब टोडरपुर, टोडर मलई जोहारो जाए, राजा आए हैं मोहबी के ते बबरी वन रहे कटाए।